ट्रस्ट मी गाइस, मैं शाओमी का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, ना ही उसके स्मार्टफोन्स का इतना बड़ा फ़ैन हूँ। शाओमी जो अपने कैमरा सेटअप में 2-2 मेगापिक्सल की चिंदीगिरी करता है, या फिर ये कहें कि जो उसके सॉफ्टवेयर है वो इतना खास नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर जो 12 सीरीज़ लॉन्च हुई है शाओमी की, उसने पूरा मेरा माइंडसेट बदल दिया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ शाओमी 12, 12 एक्स या फिर 12 प्रो की, ये तीनों ही फ़ोन कमाल के हैं और बेमिसाल हैं। यहाँ पर जो 12 प्रो है ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, और जो 12 है और 12 एक्स है ये अपर मिड रेंज में खास करने के लिए यहाँ पर शाओमी ने डिज़ाइन किया है। तो आज हम इन सभी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये फ़ोन बहुत ज़्यादा स्पेशल है और शाओमी 12 सीरीज़ ने मेरा पूरा माइंडसेट बदल दिया है शाओमी के जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन से, या फिर जो कि अपर मिड रेंज स्मार्टफोन है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शाओमी 12 सीरीज़ की प्राइसिंग से। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, शाओमी 12 सीरीज़ को चाइना में एक्सक्लूसिवली लॉन्च किया गया है और इसकी कन्वर्टेड प्राइस कुछ इस तरीके से है। शाओमी 12 सीरीज़ की जो प्राइसिंग है चाइना में वो है 43,261 रुपीज़। साथ ही में जो 12X है शाओमी का, उसकी जो प्राइसिंग है वो है 37,414 रुपीज़। और जो शाओमी 12 प्रो है, जो कि सबसे बड़ा भाई है इन दोनों ही फ़ोन्स का, उसकी प्राइसिंग चाइना में है 54,953 रुपीज़। जो Xiaomi 12 सीरीज़ है, इसमें से जो दो फ़ोन्स हैं Xiaomi 12 और 12X, ये काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ आते हैं, यानी कि 6.28 इंचेस की हमें यहाँ पे स्क्रीन देखने को मिलती है। आजकल जहाँ स्मार्टफोन्स बहुत बड़े होते हुए जा रहे हैं, 6.8-6.9 इंच तक यहाँ पे स्क्रीन साइज पहुँच गया, लेकिन वहीं पे जो Xiaomi 12 सीरीज़ है, यहाँ पर Xiaomi 12 और Xiaomi 12X 6.28 इंच के स्क्रीन साइज़ के साथ हमें देखने को मिलते हैं। वेयर एज जो Xiaomi 12 Pro है, वहाँ पे हमें 6.78 इंचेस की स्क्रीन साइज़ मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम स्पेशली Xiaomi 12 Pro के बारे में ही बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो Xiaomi 12 Pro स्मार्टफोन है, ये स्पेशली कॉम्पीट करेगा Motorola के Edge X30 से, क्योंकि जो Motorola Edge X30 है वो भी सेम प्रोसेसर के साथ हमें देखने को मिलता है, यानी कि Snapdragon 8 Gen 1 चिप। अब जो Snapdragon 8 Gen 1 चिप है, उसने Motorola Edge X30 को पहला फ़ोन बना दिया जिसमें वो इनबिल्ट आई थी, और साथ ही में अब जो ये Xiaomi 12 Pro है, ये दुनिया का दूसरा ऐसा फ़ोन है जिसमें आपको 8 Gen 1 चिप देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ये दोनों ही फ़ोन्स आपस में बहुत तगड़े तरीके से कॉम्पीट करने वाले हैं, उनके बारे में हम एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे Xiaomi 12 Pro के अच्छी चीज़ों के बारे में और कुछ बुरी चीज़ों के बारे में भी। तो शुरुआत करते हैं Xiaomi 12 Pro की डिस्प्ले से। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, इस फ़ोन में एक 2K रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दी गई है, जो कि डायरेक्टली Samsung की तरफ से आती है। इस फ़ोन में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ साथ 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है, साथ ही में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन भी दी गई है। बात करें अगर कनेक्टिविटी की, तो Xiaomi 12 Pro में हमें 5G के 11 बैंड्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि स्पेशली चाइना के लिए हैं। अब जब ये इंडिया में लॉन्च होता है तो पता नहीं कितने बैंड्स के साथ हमें यहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन होपफुली अगर 11 के 11 बैंड्स के साथ इंडिया में भी आ जाए तो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि Xiaomi के बहुत ही कम ऐसे फ़ोन्स हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 5G बैंड्स के साथ हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो अगर यहाँ इस मामले में कंजूसी ना हो तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बात करते हैं अब प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर में, जैसा कि आपको मालूम होगा कि ये दुनिया का ऐसा दूसरा फ़ोन है जिसमें Snapdragon 8 Gen 1 चिप लगाई गई है। जो दुनिया का पहला फ़ोन है Snapdragon 8 Gen 1 चिप के साथ, वो Motorola Edge X30 है, लेकिन उस फ़ोन में कुछ हीटिंग इश्यूज़ हैं। हीटिंग इश्यूज़ वही यहाँ पर भी हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना के बराबर टेम्परेचर को जाने देता है, लेकिन Motorola Edge X30 में आपको जो कूलिंग सिस्टम है वो देखने को नहीं मिलता है। तो वहाँ पर आपको 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाला भी तापमान देखने को मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा चिंता की बात है, क्योंकि Motorola ने उस प्रोसेसर को इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ नहीं किया है। यहाँ पर भी इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ ये प्रोसेसर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको कूलिंग सिस्टम मिल जाता है जो कि उस तापमान को ऊपर नहीं जाने देता है। थोड़ी बहुत स्नैपड्रैगन या फिर क्वालकॉम की भी गलती है उस प्रोसेसर में, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनने भी इतनी खासा इसमें अपनी जो ऑप्टिमाइजेशन से इतनी नहीं की है, लेकिन Motorola Edge X30 के मुकाबले में जो Xiaomi 12 Pro है वो बेटर निकल के आता है परफॉर्मेंस और हीटिंग इशूज़ में। तो अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं Xiaomi 12 Pro के सबसे ज़्यादा हाइलाइटेड फीचर के बारे में, यानी कि इस फ़ोन का कैमरा। इस फ़ोन में आपको 50 मेगापिक्सल का एक ट्रू ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है। यहाँ पर मैंने ट्रू शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि इस फ़ोन में आपको 2-2 मेगापिक्सल के वो बेकार से मिथ कैमराज नहीं देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा देखने को मिल जाता है।
अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ 50 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है उसके सेंसर का नाम क्या है, तो यहाँ पर जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का उसके सेंसर का नाम है सोनी IMX707, और जो बाकी के बचे दो कैमरा सेंसर्स हैं जो कि 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल हैं, वहाँ पर जो हमें कैमरा सेंसर्स देखने को मिलते हैं वो एक ही कंपनी से आते हैं जो कि है सैमसंग। सैमसंग का JN1 सेंसर हमें अल्ट्रा वाइड कैमरा और टेलीफोटो दोनों कैमरा के जो सेंसर्स हैं वो हमें JN1 सेंसर के अंदर ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये तो बात रही इस फ़ोन के कैमरा की, लेकिन अगर हम बात करें इस फ़ोन की वीडियो रिकॉर्डिंग किस तरीके से होगी, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ इस फ़ोन का जो मेन कैमरा है वो 8K रिजोल्यूशन तक शूट कर सकता है जो कि 24fps के अंदर होगी। यहाँ पे जो फ़ोन का 4K सिस्टम, 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कैपेबिलिटी है, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ जो तीनों कैमराज हैं वो एक साथ यूज़ हो सकते हैं, और 4K 60fps में आपको तीनों कैमरा को, मतलब जो सपोर्ट है तीनों कैमरा का वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि 4K 60fps में आप अल्ट्रा वाइड का भी यूज़ कर सकते हैं, टेलीफोटो का भी, या फिर मेन कैमरे का भी। तो तीनों के तीनों ही फ़ोन्स 4K 60fps को सपोर्ट करते हैं। अब अगर बात करते हैं हम इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा में हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का एक कैमरा सेंसर। तो अब बात करते हैं फ़ोन के सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यहाँ पर बहुत से लोगों को पता होगा कि MIUI तो इसमें देना ही देना है Xiaomi को, तो यहाँ पर आपको MIUI का 13th वर्जन देखने को मिल जाता है। साथ ही में Android 12 आपको इस फ़ोन में आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर अगर बात करूँ इस फ़ोन की बैटरी और चार्जिंग के बारे में, तो यहाँ पर जो बैटरी कैपेसिटी दी गई है वो है 4600 mAh की, साथ ही में 120 वाट की फास्ट चार्जिंग को ये फ़ोन सपोर्ट करता है। साथ ही में Xiaomi ने बताया है कि 10 वॉट की यहाँ पर आपको एक रिवर्स चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगी, यानी कि अगर आपके पास कोई भी वायरलेस चार्जिंग वाला डिवाइस है तो आप इस फ़ोन से उस डिवाइस को चार्ज इजीली कर सकते हैं। साथ ही में Xiaomi 12 Pro में आपको बहुत सारे खास फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, जिस तरीके से 2 मेगापिक्सल की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि 2 मेगापिक्सल का कोई सेंसर इस फ़ोन में नहीं दिया गया है, जो कि Xiaomi फ़ोन्स में अक्सर दिया जाता था, लेकिन इस फ़ोन में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। साथ ही में क्वाड स्पीकर सेटअप के साथ यहाँ पे ये फ़ोन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि हरमन कार्डन की ट्यूनिंग के साथ आते हैं। साथ ही में कुछ और फीचर्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि वाईफाई 6 का सपोर्ट, NFC, IR ब्लास्टर, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप, माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया हारमन कार्डन के ट्यून्ड किए गए स्पीकर्स, जो कि क्वाड स्पीकर सेटअप इस फ़ोन में हमें देखने को मिलता है, वो तो लाजवाब होने ही वाला है। तो अगर बात करें कॉन्क्लूजन की, तो मुझे Xiaomi 12 Pro काफ़ी पसंद आया, इसकी डिस्प्ले से लेकर इसके स्पीकर्स तक सब कुछ लाजवाब है, यहाँ तक कि कैमरा जो कि 50 मेगापिक्सल का एक ट्रू रियर कैमरा सेटअप है। इसके कॉम्पिटिटर Motorola EdgeX30 के पास भी हमें ये सेटअप देखने को नहीं मिलता है, वहाँ पर हमें 50 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड या फिर टेलीफोटो कैमरा, उसके बारे में मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन साथ ही में एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो या फिर डेप्थ सेंसर हमें वहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि एक चिंदी हरकत Motorola ने एक फ्लैगशिप फ़ोन या फिर अपर मिड रेंज वाले फ़ोन के साथ की है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई हरकत Xiaomi ने नहीं की है इस 12 Pro के साथ। साथ ही में क्वाड स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है, तो मतलब क्या चाहिए आदमी को इससे ज़्यादा, क्योंकि जो फ्लैगशिप सीरीज़ है वहाँ पर बहुत नाम का कोई फ़ोन है आई थिंक जिसमें क्वाड स्पीकर सेटअप देखने को मिलता है, और यहाँ पर हरमन कार्डन ने इसकी ट्यूनिंग की है, तो लाजवाब साउंड एक्सपीरियंस या फिर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस हमें इस फ़ोन में देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर हमें सबसे बड़ी चीज़, हमारे लिए जो सबसे बड़ी एक चुनौती होगी, हम किसको चूज़ करें, Motorola EdgeX30 या फिर जो Xiaomi 12 Pro है उसे। तो यहाँ पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा जिसमें हम दोनों ही फ़ोन्स को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे, तो उसके लिए ज़रूर से वेट कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके के वीडियोज़ आपको इन फ्यूचर मिलते रहें। मैं पंकज आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।